बजट जो एमक्यूएम ने भी पेश किया है वो आपके सामने है कि बजट तो एमक्यूएम बुझाती है कि वो बजट आए जो मतवस्त तबके का बजट हो, जिससे अमीर आदमी के ऊपर टैक्स का बोझ पड़े और गरीब आदमी जो है टैक्स के बोझ से निकले और महंगाई के बोझ से निकले। हमने जिस तरीके से तजावीज़ दी कि पेट्रोल की प्राइसेज जो हैं वो एक प्राडो और मर्सिडीज वाले के लिए भी वही हैं और एक मोटरसाइकिल भी वो हैं, तो उसमें फ़र्क होना चाहिए। बिजली के रेट में जो 200-500 यूनिट या 1000 यूनिट छोटा घर वाला इस्तेमाल कर रहा है और जो 10000 यूनिट इस्तेमाल कर रहा है, तो उसके ऊपर भी आपने रेट एक ही रखा हुआ है। जो आदमी जो गवर्नमेंट के पास अपनी शाही खर्चियाँ बचाकर जो फॉरन ट्रिप बचा के और जो इनकम बचे उसकी सब्सिडी गरीब आदमी को दी जाए, उसको आटे में, दाल में, चावल में, पेट्रोल में, बिजली में सब्सिडी। ये बजट जो अभी आ रहा है ये क्या गरीब का बजट होगा आप समझते हैं? देखिए ये तो बात अभी कबल वक्त है क्योंकि एमक्यूएम ने अपनी काफ़ी तजावीज़ इसमें दी हैं और ये कल बजट आने के बाद इंशाल्लाह ताला ये उस वक्त बात पता चलेगी। लेकिन एमक्यूएम ने जो तजावीज़ दी हैं वो यही दी हैं कि हेल्थ के अंदर फंड बढ़ाया जाए, एजुकेशन के अंदर फंड बढ़ाया जाए ताकि गरीब आदमी जो है, क्योंकि ये एजुकेशन और सेहत जो है ये सरकार का काम है लेकिन लोग खुद कर रहे हैं, तो कम से कम अगर इस मद में उनको फ्री ये सारी सहूलतें दी जाए तो उनका बहुत बड़ा बोझ कम हो सकता है। शुक्रिया। सदनों की तरफ से कहा जा रहा है कि इस दफ़ा जो है गरीब को बहुत रिलीफ दिया जाएगा और लग नहीं रहा, जो बातें सुनने में आ रही हैं उसमें लग नहीं रहा कि जो आम आदमी है कि इस बजट का उसको भी इससे फायदा होगा। देखिए जब आपकी आमदन बचेगी और वो आपकी एक तरक्याती अखराजात में गैर तरक्याती पर खर्च होता है तो यकीनन फिर आवाम पर उसका मजबूत असर है। और अगर आपके पास इतना पैसा नहीं है कि आप तरक्याती पर खर्च कर सके तो फिर उसका एक एडवर्स को भी मेंशन किया है जनूबी पंजाब, क्योंकि जनूबी पंजाब में आजकल जो अहम सबसे वजह बनी हुई है वहाँ लोगों की इजलास जो है वो बाहर बिल्कुल बैरान दाना मैसेज छोड़े और जागीरदारों को मैं जानता हूं जाती तौर पर जो अपने इलाके में जानबूझकर पानी नहीं आने देते। आम आदमी को बारदाना नहीं मिल रहा, आम आदमी को बारदाना नहीं मिल रहा, वहां अस्पताल कायम नहीं होने दिए जाते, वहां स्कूल नहीं बन रहे, लोग काश्तकारी के पेशे से एक पंजाब
सबसे बड़ी आबादी है। नहीं कर सकता, लिहाजा जरूरत इस बात की है। अब तो वजीर आजम भी साउथ पंजाब से आवाम को वोट देते वक्त ये सोचना चाहिए कि वो किसको वोट कर रहे हैं, क्या बाद में कोई उनको दस्तयाब भी होगा या नहीं होगा। आखिर आवाम कब सोचेंगे, ये कब तक के लोग एक किसान का नुमाइंदा जागीरदार है और एक मजदूर का नुमाइंदा सरमायादार है, और ये किसकी वजह से है? ये मजदूर की वजह से है, ये किसान की वजह से है। अगर किसान समझदारी से काम ले, अगर मजदूर समझदारी से काम ले, तो एक किसान का नुमाइंदा किसान पार्लियामेंट में हो सकता है। हमने साबित किया है, हम 8 बार से इलेक्शंस लड़कर ये साबित कर रहे हैं, और एक मजदूर का नुमाइंदा एक मजदूर पार्लियामेंट में जा सकता है।